हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे मंथ्स नेम ऑफ अ ईयर। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। बच्चों, साल में 12 महीने होते हैं। हमारा पहला मंथ है जनवरी, JANUARY, जनवरी। FEBRUARY, फेब्रुअरी। हमारा अगला मंथ है MARCH, मार्च। हमारा अगला मंथ है APRIL, अप्रैल। MAY, मई। JUNE, जून। हमारा नेक्स्ट मंथ है JULY, जुलाई। AUGUST, अगस्त। हमारा नेक्स्ट मंथ है SEPTEMBER, सेप्टेम्बर। हमारा नेक्स्ट मंथ है OCTOBER, अक्टूबर। नेक्स्ट मंथ NOVEMBER, नवंबर। और हमारा लास्ट मंथ है DECEMBER, दिसंबर। हमारे सारे मंथ्स है जो 12 महीने हैं, उनको अब हम एक साथ जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साल के पहले मंथ से। जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये हमारे साल के 12 महीने हैं। हमारा साल का जो पहला महीना है जनवरी। जनवरी में 31 डेज होते हैं, मतलब 31 दिन। हमारे साल का दूसरा महीना होता है फ़रवरी। फ़रवरी में 28 या 29 दिन होते हैं। हमारे साल का तीसरा महीना होता है मार्च। मार्च में 31 डेज होते हैं। हमारे साल का चौथा महीना यानी फोर्थ मंथ अप्रैल होता है। अप्रैल में 30 दिन होते हैं। हमारे साल का पांचवा मंथ होता है मई। मई में 31 दिन होते हैं। मई के बाद हमारे साल का छठा महीना होता है जून। जून में 30 दिन यानी 30 डेज होते हैं। जून के बाद हमारे साल का सातवां महीना होता है जुलाई। जुलाई में 31 डेज यानी 31 दिन होते हैं। जुलाई के बाद हमारा अगला आठवां महीना होता है अगस्त। अगस्त में भी 31 डेज होते हैं यानी 31 दिन। अगस्त के बाद हमारा नौवां महीना है सितंबर। सितंबर में 30 डेज होते हैं यानी 30 दिन। हमारा अगला दसवां महीना है अक्टूबर। अक्टूबर में 31 डेज होते हैं यानी 31 दिन। अक्टूबर के बाद हमारा अगला ग्यारहवां महीना है नवंबर। नवंबर में 30 डेज होते हैं।
नवंबर के बाद हमारा 12वां यानी साल का आखिरी महीना होता है दिसंबर। दिसंबर में 31 डेज होते हैं। यहाँ हमारे मंथ्स नेम विद देयर डेज खत्म होते हैं। अभी तक के लिए बस इतना ही प्यारे बच्चों। थैंक यू।